सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय, शक्ति और पैसा कभी भी एक साथ नहीं आते। अपनी नज़र सिर्फ उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। ये दुनिया है, यहाँ सबको सब कुछ नजर आता है सिवाय अपनी गलतियों की। दो तरह से देखने से चीजें छोटी नजर आती है, एक दूर से और एक गुरूर से। आज का पंचांग 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि, सुबह 5:24 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 9:45 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:21 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 9:45 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहां पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धनु राशि 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार, दोस्तों और भाई बहनों के साथ वक्त बिताने के बाद आप अकेलेपन और अवरोध की भावना से मुक्त महसूस करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों का मजा लें। दुर्घटना या चोरी से बचने के लिए यात्रा करते समय ध्यान रखें। स्वास्थ्य समस्याओं को आपके ध्यान की जरूरत होगी, ऐसे में डॉक्टर से मिलें और आराम करें। आप अजमन की आजादी प्राप्त करेंगे और सच में उसका मजा लेंगे। प्रतिबंध और बंधन आपको उत्साह और रोमांच प्रदान करते हैं। यात्रा की संभावना है, यह एक साहसिक या सुखदायक यात्रा हो सकती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। आज के दिन को एक खास बात सीखने को मिलेगी जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों से आपको अपने जीवन से जुड़े कई समस्याओं संबंधित उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। व्यस्तता के बावजूद अपने मित्रों व रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाकर रखना मधुरता बनाएगा। अपेक्षित टारगेट हासिल न होने के बाद भी जिन बातों में प्रगति मिल रही है उसकी वजह से प्रसन्नता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुधारने के लिए प्रयत्न जारी रखें। काम और परिवार के लोगों के बीच चल रहे विवाद से खुद को दूर रखना जरूरी होगा। सोच सकारात्मक बनाए रखें, अपने संगत सुधारें। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। विवाह से संबंधित निर्णय अचानक लिया जाएगा और इस निर्णय के लिए परिवार के हर व्यक्ति का साथ प्राप्त होगा। सावधानियां, किसी भी गंभीर मुद्दे पर चिंतित होने की बजाय मन को शांत और खुश बनाए रखें। अपने गुस्से व वाणी पर कंट्रोल रखें। युवाओं का लापरवाही की वजह से कोई लक्ष्य भी हाथ से निकल सकता है। घर परिवर्तन संबंधित योजना चल रही है तो उस पर गंभीरता से काम करना होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी का आपके कार्यों में पूरा सहयोग रहेगा तथा आपसी संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम प्रसंग आपकी बदनामी का कारण भी बन सकते हैं। साथी से दूर है तो चैट नेटवर्किंग से उसे अपने पास पा सकती हैं। प्यार में छेड़खाने और सितारों की छांव में अपने भविष्य की योजना बनाने से जीवन महकने लगेगा। घरेलू समस्याओं से ना घबराएं क्योंकि समय सब कुछ ठीक कर देता है। आपकी रोमांटिक जिंदगी आज सुहावनी रहेगी जिसके लिए आप शानदार डिनर या लॉन्ग ड्राइव का आयोजन भी कर सकते हैं। अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें और अतीत की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ें। प्यार के इजहार के लिए दूसरे की पहल का इंतजार ना करें बल्कि स्वयं अपनी चाहत को व्यक्त करें। बात करते हैं करियर की। जीवन का यह चरण काफी समृद्ध है क्योंकि आज अब धन लाभ और सफलता दोनों का मजा लेने वाले हैं। आपके चाचा या छेले चपाटे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं, इसीलिए उनसे दूर रहें। किस्मत से भरे इस चरण में अपने आकर्षण का फायदा उठाएं, बस चोरी से सतर्क रहें। आपके पास आज एकमात्र स्वतंत्रता है और वो है मन की स्वतंत्रता जिससे आपको बेहद लगाव है।
अपने बौद्धिक या आध्यात्मिक विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें। इससे इस अच्छे समय को व्यर्थ न अपने इस अच्छे समय को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसका सदुपयोग करें। अटके हुए कामों को पूरा करें। सपने देखना ना भूलें, क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योग व्यायाम नियमित रूप से करें, जरा सी लापरवाही आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखेगी। शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आज का उपाय, आज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।